प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सालेहा इमरान और फूड हंटर ऑफिशियल। आज आ गया है नाजमाबाद 3 नंबर गोल मार्केट, जो कि यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं बापू बर्गर, जो यहाँ पे हैं काफ़ी मशहूर। और इनके हैं 2 डिफरेंट से बर्गर जो हम ट्राई करेंगे। एक इनका है चिकन बर्गर और एक हंटर बीफ, जो कि है फेमस बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पर तकरीबन 44 ईयर्स से हैं और इनकी चल रही है अभी 3rd जनरेशन यहाँ पर काम कर रही है। तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है और इनसे कुछ पूछेंगे भी। तो हियर वी गो गाइस। सो गाइस, अब हम देखेंगे इनकी ज़बरदस्त से बर्गर की मेकिंग, जो हम अपने लिए बनवा रहे हैं ज़बरदस्त से 2 बर्गर, हंटर बीफ और इनका चिकन बर्गर ज़बरदस्त सा। और इनसे कुछ बातें भी करेंगे साथ के साथ और देखेंगे मेकिंग भी इसकी। ये आपने ऑर्डर किया है चिकन बर्गर और एक हंटर बीफ बर्गर। तो बनाइए, देखते हैं कैसा बनाते हैं आप, और साथ साथ मुझे कुछ इनकी हिस्ट्री भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अब बाबू भाई की हिस्ट्री ये है कि बाबू भाई ने यहाँ पे 1978 में शुरू किया था बर्गर। उस टाइम तो सिर्फ 2 ही आइटम होते थे, एक दाल का होता था और एक शामी कबाब का होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया, साल 2 साल, फिर उसने फिर ये चिकन बर्गर और हंटर बीफ इंट्रोड्यूस किया, तो वो फिर ज़्यादा फेमस हो गया काम। कि फिर लोग बोलने लगे ये क्या मुनफरिद चीज़ आ गई। नहीं बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये है बड़ा डिफरेंट सा बर्गर और मैं भी इसको काफ़ी टाइम बाद ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अब मैं देखूँगी कि आए के टेस्ट वैसा है या नहीं है। सेम टेस्ट इनका वही चला आ रहा है, टेस्ट में इनका फ़र्क वैसे होता नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई करा है, तो अब देखते हैं इसकी मेकिंग ये किस तरह बना रहे हैं, बताइएगा। जी, चिकन के रेशे होते हैं जो आप ये देख सकती हैं कि ये पूरे पैकेट में होते हैं रेशे इसके, जो अंडे में मिक्स करके इसको पूरा मैरिनेट किया जाता है। सही मैरिनेट करके फिर इसको फ्रेम में पूरा फैला के बनाया जाता है। अच्छा, इसका एक मखसूस फ्रेम भी है। जी हाँ, मखसूस फ्रेम होता है। अच्छा। जो बर्गर के शेप जैसा होता है। सही सही। ताकि फैले ना वो, इसी फ्रेम में रहे, उसको जो है वो पैटी टाइप की। हाँ जी बिल्कुल, पैटी टाइप की बन जाए। सही सही सही। जो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह इसको फैला के पैटी में बनाया जाए। बड़ा ज़बरदस्त सा बन रहा है और मुझे तो बहुत पसंद है ये बर्गर, और बनते हुए देख के तो मेरा दिल चाह रहा है कि जल्दी से बन जाए और मैं इसको ट्राई कर लूँ। तो ये बना रहे हैं। अच्छा, इनके पास काफ़ी रश होता है यहाँ पर, मैंने देखा है अक्सर काफ़ी रश होता है और इनका बहुत पुराना ये चला आ रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, मैं बहुत पुराना ट्राई कर रही हूँ इनको, और आज फिर दोबारा आ गई हूँ मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना बताया जाए कि यहाँ पे भी एक बर्गर पॉइंट है जो कि नाजमाबाद 3 नंबर में है। आप देख सकते हैं हंटर बीफ जो आपने ऑर्डर किया था सेकंड, वही होता है कि पूरा पीस होता ही है गोश्त का, पूरा रॉ पीस होता है, बोनलेस पीस होता ही है। जी 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 जी, इसको हमने मैरिनेट किया हुआ है, इसको ये ओवन में होता है मैरिनेट। अच्छा, स्टीम में पकाया जाता है पूरा। सही सही। और इसके एक बर्गर के 2 स्लाइस लगते हैं ये कट के, एक बर्गर बड़ा अच्छा सा ये लग रहा है कुछ। इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक होता है, बाकी स्पाइसेस और जो अपनी सॉस होती है वो अलग डलती है हमारी। जी जी, चटनियाँ होती है जी, ग्रीन चटनी होती है और स्पाइसेस हमारे अलग होते हैं, खुद बनाते हैं हम, सारे होम मेड होते हैं। तो ये आप फ्राई कर रहे हैं हंटर के जो पीसेज हैं? जी जी जी, फिर फ्राई करेंगे भी, फ्राई करके इसको बर्गर में रखा जाएगा ये भी। सही तरीके से चलें जी, बन रहा है हमारा बर्गर, तो हम करते हैं वेट। जो बापू बर्गर जिनके नाम पर है, वो ये अंकल हैं बापू, इनका नाम है, और ये हैं यहाँ के ऑनर, और इनसे मैं थोड़े से क्वेश्चन करूँगी और इनसे बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री पूछूँगी इनसे मैं कि अंकल कब यहाँ आए और मतलब किस किस तरह से। जी अंकल, आप कब यहाँ आए थे, कब आपने शॉप यहाँ? ये मैंने 1947 से मतलब। अच्छा, और फिर आपने यहाँ पे बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया? जी जी बिल्कुल, 1977 जी जी जी, यहाँ पे बर्गर इंट्रोड्यूस, यहाँ बर्गर की शॉप खोली। अच्छा, आपका नाम कुछ बड़ा डिफरेंट सा है बापू, मतलब बापू क्यों आपको बापू बोला जाता है? मेहमान गुजरातियों में बापू के नाम से मतलब जो मोहब्बत का प्यार का नाम होता है तो बापू कहते हैं, आपने कहते हैं अरे यार इस तरह से, वो बापू जो कह रहे हैं यहाँ मोहब्बत का प्यार का नाम है, तो इसलिए वो बापू के नाम से मशहूर हो गया। बापू के नाम से मशहूर। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे आपकी 3rd जनरेशन चल रही है, 3री पीढ़ी काम कर रही है आपकी, तो सबसे पहले आप आए थे? जी मैं आया था, उसके बाद मेरे बेटे फिर हम नवासे मेरे काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल।
थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया आपका कॉपरेट करने का। सो गाइज, ये थे यहाँ के ऑनर और इनसे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी बातचीत हुई थोड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। सो गाइज, आ गए हमारे मज़ेदार से बर्गर और मैं इसको ट्राई करने के लिए हूँ बहुत एक्साइटेड। ये है ज़बरदस्त, इनका चिकन बर्गर है और ये है हंटर बीफ जो कि ज़बरदस्त है। इसमें हंटर बीफ के स्लाइसेस डले हुए हैं और बड़ा ही कोई डिलीशियस लग रहा है। साथ में चटनियाँ और सॉसेस भी दिए हैं उन्होंने बड़े मज़ेदार से, और बड़ा ही कोई अच्छा टेस्ट है इसका। मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम बाद ट्राई कर रही हूँ, तो अब ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं भाई क्या टेस्ट है, क्या है क्या नहीं है। ज़बरदस्त टेस्ट है। जो इन्होंने चाट मसाला डाला है ना, ऑनेस्टली बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहा है। मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो आना तो बनता है। ज़बरदस्त फ्लेवर है, और मैं ट्राई करूँगी इनका हंटर बीफ जो कि आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त है। इन्होंने हंटर बीफ का स्लाइस इसके अंदर डाला है और काफ़ी थिक स्लाइस है, मतलब ऐसा नहीं है कि थिन सा स्लाइस हो, अच्छा बड़ा स्लाइस है इसके अंदर। और ये भी अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। उनके सॉसेज एक ही हैं दोनों बर्गर्स के साथ, बस टेस्ट डिफरेंट होंगे। वो चिकन है और ये हंटर बीफ में है, थोड़ा डिफरेंट बर्गर है। अच्छा फ्लेवर है इसका भी, बीफ में तो टोटली डिफरेंट फ्लेवर होता है, तो हंटर बीफ है तो और भी डिफरेंट फ्लेवर है। उन्होंने बीफ के स्लाइस को फ्राई कर दिया और थोड़ा डिफरेंट सा बना दिया। ये यहाँ गोल मार्केट में फेमस हैं अपने बर्गर से, इनका हंटर बीफ बर्गर बड़ा मशहूर है और चिकन बर्गर जो कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, और टेस्ट में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने काफ़ी टाइम पहले इनका ट्राई करा था और आज फिर वही टेस्ट है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्राई करा था। तो आप लोग ज़रूर आएँ, ये बर्गर और बन कबाब इनके ज़रूर खाएँ। ओके गाइस, तो मैं कर रही हूँ अपना मज़ेदार सा बर्गर इंजॉय, और रुकें जाते जाते इसके प्राइस तो सुनते जाएं। इसके प्राइस हैं बहुत ज़बरदस्त से, और इस प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है यहाँ पर। और ये है 150 का चिकन बर्गर है, और हंटर बीफ बर्गर भी इनका 150 का है। तो आइए यहाँ पे इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फैमिली हॉल भी है यहाँ पर। और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।